के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। स्वीप अभियान के अंतर्गत निकाली गई दिव्यांगजनों की मतदाता जागरूकता रैली, डीएम ने दिलाई मतदाताओं को शपथ, कहा अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें दिव्यांगजन, प्रशासन है उनके साथ, छूटने न पाए कोई मतदाता। पश्चिमी यूपी में लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद पुलिस को एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, कहा सकुशल संपन्न कराएं चुनाव। बसपा के पूर्व जिला महामंत्री ने सपा नेता पर लगाया आरोप, कहा कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के असलहे का कर रहे प्रयोग, जांच कर की जाए कार्रवाई। एसएसपी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिले की क्राइम मीटिंग, कानून व्यवस्था की हुई समीक्षा, एसएसपी ने कहा लोकसभा चुनाव को कराएं सकुशल संपन्न, अपराध और अपराधियों पर लगाएं लगाम। मिशन विजय गोरखपुर लोकसभा के लिए आयोजित हुई जिला कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष प्रभारी सह प्रभारी अग्रिम प्रभारी की महत्वपूर्ण बैठक। मंडली कारागार के सामने स्थित पुलिस चौकी पर जन सहयोग से बनाए गए नवनिर्मित वातानुकूलित बैरक का सीओ गोरखनाथ ने फीता काट कर किया उद्घाटन, कहा गर्मी में ड्यूटी करने वाले आर्चियों को मिलेगी राहत। आउटसोर्सिंग के चालकों को न्याय दिलाने के लिए काफी गहमा गहमी के बीच चुने गए नगर निगम आउटसोर्सिंग के पदाधिकारी। बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्थान द्वारा कुष्ठ आश्रम से निकाली गई पदयात्रा, शाकाहारी नशामुक्त सरकार बनाने के लिए लोगों से की गई अपील। अमर शहीदों को श्रद्धांजलि एवं लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका विषय पर सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के सभागार में आयोजित हुई संगोष्ठी। और श्री श्री बाबा मुक्तेश्वरनाथ महादेव सिद्धपीठ में जन कल्याण के लिए 61 ब्राह्मण कर रहे मां बगलामुखी जाप के 36 लाख का अनुष्ठान।